Hello friends, my name is Jay Subramania. Today I am discussing chapter number 2, linear correlation in 12th standard. Linear correlation का meaning क्या है? Linear correlation यानी कि difference between two variables किसी भी reason की वजह से दो variables में जो changes आ रहे हैं उस चेंजेस को हम बोलेंगे कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन रीड करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है प्राइस एंड डिमांड, प्राइस फ्रॉम एक्स, वाई फ्रॉम वाई। एक्स एंड वाई देयर आर टू वेरिएबल्स, प्राइस 10 टू 20, 30, 40, 50, उसमें चेंजेस हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रही है। डिमांड 12, 6, 4, 3, 2 डिक्रीज हो रही है। अगर प्राइस में कुछ भी चेंजेस हुआ उसकी वजह से वाई में भी चेंजेस हो रहा है, इट मींस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट, किसी भी रीजन की वजह से जो चेंजेस हम देख रहे हैं उस चेंजेस को बोला जाएगा कोरिलेशन। डेफिनेशन देख लो, इफ देयर आर साइमल्टेनियसली चेंजेस, साइमल्टेनियस चेंजेस इन द values of two variable due to direct or indirect cause effect, then it is said that there is a correlation between two variable. किसी भी reason की वजह से अगर कुछ changes हुआ उस changes को हम बोलेंगे correlation between two variables x और y। इस example में देखो, there are two types of correlation. There are two types of correlation, positive correlation, negative correlation. अब positive correlation यानी क्या? तो कि कोई भी changes अगर same direction में हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे positive correlation। अगर कोई भी changes negative direction में यानी कि opposite direction में हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम negative correlation। For example, price and supply, अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज करेंगे ज्यादा प्रॉफिट के लिए, अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज करेंगे ड्यू टू लेसर लॉस। सेम है, हमने प्राइस और डिमांड देखा ही है, अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, अपोजिट डायरेक्शन, अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, फिर भी अपोजिट डायरेक्शन। देख लो यहां पॉजिटिव कोरिलेशन, वेन the changes in the values of two correlated variables are in the same direction mein jo bhi changes hoga then correlation between them is said to be positive. Example, price and supply, age of husband and wife. Negative correlation, then the changes in the values of two correlated variables are in opposite direction. Changes हो रहा है वो opposite direction में changes हो रहा है. The correlation between them is said to be negative. For example, price and demand. हमने अभी example देखा था. अगर price increase होगी तो demand increase. Price decrease होगी तो demand increase. Opposite direction में changes हो रहा है तो negative correlation. एक्सपेंडिचर इन सेविंग्स ऑफ पर्सन, एक्सपेंडिचर अगर हम एक्सपेंसेस ज्यादा करेंगे तो सेविंग्स कम करेंगे, सेविंग्स कम हो जाएगा, अगर हम एक्सपेंसेस को कम करेंगे तो हमारा सेविंग्स बढ़ जाएगा। नेगेटिव कोरिलेशन, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो चेंजेस हो रहा है उसे बोलेंगे। यहां मैंने डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ है, अगर यह लेफ्ट टू राइट अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे पॉजिटिवली कोरिलेशन, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक लाइन में हो तो हम बोल सकते हैं परफेक्टली कोरिलेशन। अगर यहां इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो एक लाइन में नहीं है तो हम इसे पॉजिटिव कोरिलेशन बोल सकते हैं। इसी तरह लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, लेकिन एक ही लाइन में हो रहा है तो हम इसे बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन, लेकिन परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन को लेंगे अगर एक लाइन में हो तो। और यहां डिक्रीज हो रहा है
लेकिन एक ही लाइन में नहीं है, डिक्रीज हो रहा है लेकिन एक लाइन में नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे, लेकिन इसे परफेक्टली बोल नहीं सकते। तो फिर से एक बार डायग्राम देख लो, एक ही लाइन में इंक्रीज हुआ है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, इंक्रीज हो रहा है लेकिन एक लाइन में नहीं है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, एक ही लाइन में डिक्रीज हुआ तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, डिक्रीज हो रहा है लेकिन एक लाइन में नहीं है तो नेगेटिव कोरिलेशन। थैंक यू।